हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कौसम मॉम्स किचन। आज मैं आपके साथ भेजा मसाला फ्राई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ गाइस। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। चलिए अब हम भेजा मसाला फ्राई की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हमने गैस का फ्लेम चालू करके उस पर एक पैन रख दिया है। इसमें ऐड कर लेंगे 4 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 स्पून जीरा। जीरा चटकने लगा है। अब हम इसमें फाइन चॉप किया हुआ 2 मीडियम साइज के प्याज ऐड कर लेंगे। प्याज को हम 1 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज अच्छे से फ्राई हो गई है, प्याज का हल्का सा कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल आने तक अदरक लहसुन को अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर। टमाटर को हम अच्छे से मैश होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज और टमाटर जल्दी से कुक हो गया, इसलिए हमने इसमें थोड़ा सी नमक ऐड कर लिया है। टमाटर अच्छे से मैश हो गए हैं। अब हम इसमें 3 हरी मिर्च ऐड कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 पिंच में हल्दी पाउडर, 1/4 टेबल स्पून धनिया पाउडर भी ऐड कर लेंगे। अब हम सभी चीज़ों को 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर लेंगे। अब हम इस ग्रेवी में एक उबाल आने देंगे। ग्रेवी में उबाल आ गया है। यहाँ पर हमने 200 ग्राम बकरे का भेजा लिया है। भेजे को अब हम ग्रेवी में डाल देंगे। मसालों के साथ अब हम भेजे को अच्छे से मिला लेंगे। हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लेंगे। नमक हमने टमाटर और कांदा फ्राई करते समय भी ऐड किया है। आप नमक को ध्यान से ऐड करिएगा। भेजा ऐड करने के बाद हम भेजे को मसालों के साथ 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। हमने 200 ग्राम भेजा लिया है गाइस, हमने उस हिसाब से मसाले ऐड किया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में भेजा ले रहे हो तो आप मसाले की क्वांटिटी को डबल कर लीजिएगा। भेजा कुक होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है गाइस। भेजा है ना, बहुत ही इजीली कुक हो जाता है, एकदम अंडे की तरह। मसालों के साथ भेजा फ्राई करते हुए 2 मिनट हो गए गाइस, भेजा भी कुक हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सी गरम मसाला पाउडर। 1/4 टेबल स्पून से भी थोड़ा कम हमने गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। गरम मसाला पाउडर को आप लास्ट में ही ऐड करिएगा गाइस, इससे हमारे भेजा मसाला फ्राई में बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा। अब हम 1 मिनट इसे ढककर पका लेंगे। अब हमारा भेजा मसाला फ्राई रेडी हो गया है गाइस। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ हरा धनिया की पत्ती। हरा धनिया की पत्ती ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो लीजिए गाइस, हमारा टेस्टी और इजी भेजा मसाला फ्राई सर्विंग के लिए रेडी है। इसे बनाना इतना आसान है कि इसे बिगिनर्स भी इजीली बना सकते हैं गाइस। आप इस भेजा मसाला फ्राई को रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, पाव के साथ और चावल के साथ भी सर्व कर सकते हो। आई एम श्योर आपको हमारी ये इजी और टेस्टी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा गाइस। और वीडियो के नीचे से लाइक का बटन इसे क्लिक कर दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।